I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. मैंने काम पूरा कर दिया। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। इतनी मेहनत। अरे चुप! आप उनको समझाएगा तो? आप उन्हें क्या कहा और तूने किया क्या? लड़की को किडनैप करना था, बूढ़े को नहीं। अब ढूंढो उसे। जैसा आप कहें भाई। अरे क्या कर रहा है तू? इन रुपयों को तू कितनी बार गिनेगा? एक काम करना, मुझे दे देना भाई। ऐसा क्या? तुझ पे वारा मतलब खैरात में दे दिया। मुझसे गलती होगी मालिक, मुझे माफ कर। हाथ देखकर लोग किस्मत बताते हैं, मैं चेहरा देखकर इंसानों का कैरेक्टर बताता हूँ। जिस थाली में खाया उसमें छेद करने वाले सुबान खींच कर उसमें छेद कर देता हूँ। क्या किया इसने? मीटर में झोल किया करता था, पकड़ा गया। फिर सही है। जानता है ना मैं कौन हूँ? माने क्या मजुमदार। चल निकल यहाँ से। काय को हेरा फेरी किया रे? आओ छोटे आओ। हाँ अभी आता हूँ। मैं कलेक्शन का पैसा लाया हूँ। ये रही आपके इनकम। ठीक है। और ये मेरी मेहनत का। अच्छी बात है। अभी तक मैंने जितने आपके पास जमा किए हैं उसमें ये जोड़कर पूरे 6 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। तू भी इस तरह मेहनत क्यों नहीं करता है? बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह ये स्पीड से बढ़ता जा रहा है। सब आपकी कृपा है। तू मुझे बहुत पसंद है, फिर भी एक कमी है। स्पीड से जाना गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल मत खोना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ, बाद में मिलता हूँ। पैसा संभालना। हाँ, हाँ। गुस्सा काबू में रखो भाई, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मालिक आप इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रहे? एक दिन आपसे आगे निकल गया तो क्या करोगे? हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। वो किसी को टोपी पहनाता है नहीं, मेहनत करता है। और मेहनत करके सक्सेस पाने वालों में से इंडिया में टाटा बिरला और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबकी किस्मत उनके जैसी नहीं है। ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आने वाली। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, ग्रहों को अनुकूल होना चाहिए, किस्मत भी साथ देनी चाहिए, तभी लक्ष्मी देवी आती हैं। और अगर ऐसा ना हो तो इंसान आसमान से नीचे गिर जाता है। एक बात जान ले, ये मेहनत कर रहा है और तिजोरी हमारी भर रही है। अच्छी लग रही हो। So sweet of you. फिर वही। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। लाओ मैं पकड़ूं। मैं पकड़ूंगा ना। तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। हाँ ये बार बार फोन क्यों कर रहा है? फिर से काटा। शॉपिंग तो हो गई, अब क्या कॉफी पीने चले? चलो चलते। हम मिलने का वादा किया, वहाँ लड़की के साथ भटक रहा है। तो शाम को अरे प्यारे शंकर, अरे तू आ गया। अरे कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कहाँ रह गया था? लड़की से क्या बोला? लड़की पे लुटाने के लिए तेरे पास पैसा है? मैं पैसा मांग रहा तो नहीं दे रहा। मेरे पैसे कहाँ हैं? इसके बारे में शाम को बात करते हैं ना यार। शाम को क्या बात करेगा मैं? अरे पहले जाके अपनी गाड़ी हटा ले, वो चिल्ला रहा है। हमदर्दी मत जता, वो मेरा मैटर है, मैं संभालूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुझसे पैसा वसूल करके रहूंगा। क्या बात है, बहुत पैसे लुटाए। जरा इज्जत से बात कर, तेरी होने वाली भाभी है। अरे क्या बढ़िया, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। थैंक्स यार, इसके लिए मेरे पैसे इस्तेमाल किए। कॉफी और थोड़ी शॉपिंग। अरे बाप, कॉफी और शॉपिंग, कितना खुश लगा। अरे चल उतार, क्या कर रहा है? मैं तेरी इज्जत की शॉपिंग करता हूं। इधर देख रही है? तुम क्या देख रही हो? पॉकेट का गिफ्ट लेते हुए शर्म नहीं आती? चला इधर। शाम तक तुझे टाइम देता हूँ, मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। नहीं दिया ना, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखा दूंगा। अरे भाई कहाँ ले जा रहा है? इसमें सब लेडीज का सामान है, क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, अपनी काम वाली को दे दूंगा। वो मेरा दोस्त है। कोई बात नहीं, फिर से विंडो शॉपिंग कर लेंगे। आपका तो पैसे के नहीं है लड़की। Thank you.
हूँ रे बाबा। अरे ये कहाँ से लेके आ रही तरह भीते हैं? सिर्फ इंतजार कर रहे थे। अब आई क्या जमाना आ गया है आजकल की लड़कियों को देखो लाज शर्म कुछ है ही नहीं। ये तूने कैसी हालत बनाई है? चल अंदर आ जा। सुन ये ले ये ड्रेस पहन ले। लड़का कैसा है? बहुत ही सुपर है। वो बहुत अच्छा इंसान है और पता है वो अमेरिका में पला बड़ा है। हमने सब बात कर ली है। तू देखकर ओके कर ले तो बात पक्की हो जाएगी। मुझे डाउट है। वो क्या? लड़का दिखने में कैसा है? कहीं मोटा तो नहीं? वो सब छोड़ो, आजकल वो बातें मायने नहीं रखती। लड़के का सेटल होना बहुत जरूरी है। मेरी स्वीट आंटी, हमारे दूल्हे राजा है कहाँ? अपनी होने वाली दुल्हन से बात कर रहा है। हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। हाय, मैं नंदू हूँ, दुल्हन की फ्रेंड। हेलो। मैं और ये बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। दिन हो या रात, सीक्रेट्स, बॉयफ्रेंड्स, सब कुछ जानती हूँ। आप गलत मत समझिए कि हर एक बात मुझसे शेयर करती है। ये बेचारी इतनी भोली है कि कहीं भी भटक जाए घर जरूर लौटती है, समझ गए ना? बट हाउ इज इट पॉसिबल? आप ही बताइए। अगर खूबसूरत नजारा हो तो हर कोई देखेगा ना। हमारे फिल्म स्टार्स कितने हैंडसम होते हैं, उन्हें सब देखते हैं ना। मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे आपने कितने को देखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ हीरोइनों को देखा है। I mean, अनुष्का को, करीना को। हाँ, नाइस। खाइए खाइए। बढ़िया है ना? मेरी दोस्त इससे ज्यादा मीठी है ना? मुझे तो ये कड़वी लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब यंगस्टर्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। टाइम के साथ सीखते हैं हम, हर चीज में एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, उन्हें इस रिश्ते के टूटने का डर है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रिश्ते को मानेंगे और पूरी लाइफ खुशी से जिएंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। रात में चमकने वाले उस चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन मेरी सहेली गंगा की तरह पवित्र है। आपने इसे पसंद किया तो आप पर जान न्योछावर कर देगी। जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, और इसी घबराहट के चलते मैं खुलकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। रिस्क है ये सोचकर मैं। देखो, पसंद करने के बाद रिस्क विस्क कुछ नहीं, बस साथ चलना ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। हमने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया। आई होप हमारी बात सुनके देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स। पसंद ना पसंद करना मुझे तो ओके है। व्हाट? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्वाति मुझे बहुत पसंद है। तू बचपना कब छोड़ेगी? वो लड़का समझदार था इसलिए बच गए, अगर कोई और होता तो घबरा के भाग जाता। इंसान को परखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। ऐसा लगता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं मेरा वुड भी कहाँ होगा, मैं उसका कब से वेट कर रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी इसलिए क्योंकि टेंशन है। लड़का मुझे पसंद आना चाहिए, मैं अच्छी तरह जांचूंगी वो मुझे समझेगा या नहीं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे सेट होगा पता नहीं। ऊपर वाले की दया से सब अपने आप सेट हो जाता है। मुझे देख। चलो तुम ही कोई रास्ता निकाल दो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग शंकर। मैडम जी, आपकी शादी की बात से आपके पापा बिल्कुल बौखला गए हैं, जरा उधर देखिए। बंद कर। मेरी शादी? कौन है वो? और कौन है मैडम जी, जर्मनी के श्रवण जी है ना, जिनका बहुत बड़ा होटल है। शादी के बाद आपका खाना बनाने का टेंशन ही खत्म। सर का सिर्फ चेन्नई में नहीं, यूएस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इतने होटल हैं कि आपको खाना ही नहीं बनाना होगा, बस एक बार स्वाहा हो जाए। मैं खाने के लिए शादी करूंगी क्या? वो तो एक बहुत बड़ा लंगूर है, मुझे उसी शादी नहीं करनी। तो तैयार है? अरे मार, पानी मार। और बहुत गंदा हो गया। पापा। इस गाड़ी का नाम क्या है पता है? राम प्यारी। ये मेरी पहली महबूबा है। आप बड़े रंगीन मिजाज लगते हैं। अनाप सनाप पकेगा तो मुंह के अंदर बत्ती सी नहीं रहेगी। अपना काम कर। पापा। दामाद जी। दामाद जी कैसे हो?
तुमसे मिलने के लिए बच्ची आई है, जरा देखो। तुम दोनों आपस में बात करो, तब तक मैं बाकी के काम निपटाता हूँ। ए सुन वेलू, तुम्हें क्या क्या पसंद है? शादी, मुझे शादी बहुत पसंद है। ओहो, मेरा जो होटल है ना उसे मैं चेंज कर दूंगा, उसे तुम्हारे लिए मैं मैरिज हॉल बना दूंगा। कहूं कि मुझे पागल खाना पसंद है? जोक कर रही हो ना, तुम बहुत फनी हो। तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मतलब फर्स्ट नाइट हनीमून, शादी के जोड़े हमारे होटल में बहुत आते हैं तो उसे संभालने के लिए कोई अपना... मुझे जॉब दे रहे हो? एक्सक्यूज मी, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। हेलो, तुम बिल्कुल मोर की तरह चलती हो। ऐसा है कि तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ। क्या है ना, मैं जो कुछ भी करता हूँ बिना कंफ्यूजन के क्लैरिटी के साथ करता हूँ। हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हम दोनों की ईगो को सेटिस्फाई करने वाला यही एक रिश्ता था, इसलिए तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने ये रिश्ता तय कर दिया। सही किया ना? बच्ची समझदार है। ऊपर वाले तेरी दया है। बहुत जल्दी सुन लिया। अरे शरारती कहीं के। अरे नोचो मत। चल मुझे खिला। मुंह खोलो। और चाहिए? चलो चलो चलो। भाई साहब ये मिठाई सब में बांट दो। नमस्ते सेठ जी। क्या बात है छोटे, आज तेरा चेहरा गाड़ी की हेडलाइट की तरह चमक रहा है, आखिरी बात क्या है? सिर्फ बात नहीं है सेठ जी, खास बात है। ऐसी क्या खास बात है? मतलब मैं भी आपकी तरह ओनर बन गया। ओ, मैं भी एक गाड़ी खरीदने वाला हूँ। ओहो, एक गाड़ी खरीदने वाला है और इतना खिल रहा है? आज एक गाड़ी खरीदने वाले हैं बाबूजी, बस देखते जाइए, आगे चल के पूरा शोरूम खरीद लेंगे। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ सेठ जी की बराबरी नहीं कर सकता। दिन रात मैं मेहनत करके अपनी जमा पूंजी को डबल करने की सोच रहा हूँ। एक बात तो पक्की है सेठ जी, मैं खुद का अपना शोरूम जरूर खोलूंगा और शोरूम की रिबन मैं आपसे ही कटवाऊंगा। एए, कार्बोरेटर में कचरा है, ठीक से दिखता नहीं तुझे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मेरे पास काम करने की। तो मैंने आपके पास जो रकम जमा की है वो मैं लेने आया हूँ, मुझे दे दीजिए। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आके पैसे ले लूंगा। मुझे पैसे दे दीजिएगा जरूर। मालिक इसे बोल के जब मैं फ्री रहूं तभी यहाँ हिसाब करने आए। अरे मालिक बिजी। बहाना सुनने के लिए मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। क्यों रे, इतनी अकड़ आ गई जो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? अगर प्यार की बोली आपको समझ में नहीं आती तो मेरी आवाज और ऊंची होगी। आवाज ऊंची करेगा मुझसे? आवाज चुप रहो। देखिए सेठ जी, लफड़ा नहीं, मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। कौन सा पैसा? अरे भाई तूने मुझे पैसा कब दिया था? क्या ये तुम्हारे सामने मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहा है? सॉरी सेठ जी, वो मेरे चोरी के पैसे नहीं है, बहुत मेहनत करके कमाए हैं। प्लीज सेठ जी पैसे दे दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है ना तुझे, पार्ट टाइम करके कोने में पड़ा रहता था, अब तू मुझ पर पैर रख के तरक्की करना चाहता है? देखा ना वक्त कैसे बदल जाता है। तुझे ब्रेक मैं लगाऊंगा। तूने मेरे गिरेबान को टच नहीं किया, मेरे ईगो को टच किया। इसे धक्के मार के बाहर निकालो। सेठ जी मेरे मेहनत के पैसे मुझे दे दीजिए। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ माँ, अरे वो कैसा जालिम बाप है जो पैसों के लिए अपनी बेटी की फीलिंग्स तो समझना नहीं चाहता। छोड़ूंगा नहीं, मेरा पैसा हड़पने नहीं दूंगा। सब कुछ गलत हो रहा है माँ, मैंने अगर उनके स्वार्थ के सामने आज अपना सिर झुका लिया तो पूरी जिंदगी इस पछतावे के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। वसूल करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ए, उस 6 लाख के लिए तू उसके साथ जाकर मारपीट कर गया क्या? अरे वो बहुत पावरफुल है, उससे पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं है। क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? मुझे दुख हो रहा है यार, आज मेरा दिल रो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा माँ, मैं अभी कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, ये फाइनल है। यकीन नहीं होता है ना, मालिक ने इतना खर्चा किया है,
धूमधाम से शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो। अरे बाप रे बाप बाप, मेरा पैसा यहाँ उड़ाया जा रहा है, बुढ़े की तो ऐसी की तैसी। ये क्या हाल बना रखी हो, दामाद जी परिवार के साथ आ चुके हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या जबरदस्ती है पापा, मुझे शादी नहीं करनी। अभी कोई बहस नहीं चाहिए, जाकर तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। फिर कब कब बहस करेंगे पापा, आपने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरी शादी फिक्स कर दी है, मेरा ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल चुप रहो तुम, इस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है और तू यहाँ आया कैसे? मजबूरन आना पड़ा, मेरा पेट खाली है ना। अच्छा, पूरी बोतल चढ़ा रखी है क्या? बारातियों के साथ खाना खा और अपना रास्ता ना। सर जी, मेरे पैसे कोई हराम की कमाई नहीं थे, मेरी मेहनत के पैसों से लोगों को बिरयानी खिला रहे हो। मेरा पैसा नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारा सांभार निकाल दूंगा, मेरा पैसा मुझे दे दो। एक पैसा तुझे नहीं मिलेगा, शुभ कार्य में अड़ंगा मत डाल। अरे नहीं गया तो काट डालूंगा। क्या 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 रही है, जाना तैयार हो जा। मैंने कहा ना पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। सुन, तू मेरे साथ आ और तू अंदर जा। पापा मैं आपका कहना नहीं मानूंगी, एंड दैट्स फाइनल। राजू जल्दी इधर आ। राजू आ मुझे मार, मैं उस चूहे से डरूंगा। मुझे जब तक नहीं मिलेगा मैं ये फंक्शन होने नहीं दूंगा। इसे पकड़ के रखना, पैसा मुझे लौटा दो। छोड़ो मुझे, चुप। इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो। कोई आगे नहीं आएगा। अरे पीछे, चलो पीछे, पीछे हट जाओ। कोई आ गया है तो इसे काट दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जान चाहिए तुझे तो, चल मेरा पैसा निकाल। आज मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा, तब तक ये लड़की मेरे पास रहेगी। आगे नहीं आना, कोई आ गया है तो इसे काट डालूंगा। चलो हटो। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम मेरी बच्ची को ले जा रहा। आगे मत बढ़ा, उसे बचाओ। अरे जल्दी जाओ, उसे बचा लो। अरे कोई तो उसे बचाओ। भाभी को भी उठा। क्या बात कर रहा है, चल बैठ गाड़ी में बैठ। अरे वो तो ले जा रहा है। वो कौन था अंकल, और वो नंदू को कहाँ ले गया? वो नंदू को लेकर, आप पुलिस को फोन कीजिए, चले। अरे जल्दी जाओ, उसे लेकर आओ। चलो चलो। आप किसे फोन कर रहे हैं? ये बात अगर बाहर चली गई तो लड़की और शादी दोनों गई। इसलिए मैं सोचता हूँ बेटा थोड़ा क्या कुछ ऐसा वापस कर दे। बेटी के साथ साथ मुझे पैसे भी प्यारे, पैसे भी प्यारे, पैसे भी प्यारे, पैसे। चल जा। संभल के यार, वो मेरी डार्लिंग है रे। किस तरफ? नहीं संभल कर। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? सिक्सेंट क्यों चला रहे हो? ए चुप, अपने हाथ दो। ए इसकी क्या जरूरत है? चुपचाप बैठी रहो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस कब से सिर्फ डार्लिंग दी जा रहे हो, जरा एक्शन दिखाओ ना। चलो जंप कर जाओ। अरे जंप करो बॉस। अरे बचाओ, गाड़ी से उतर जाओ। अबे हट, क्या कर रहा है? अरे जिद मत मार रे, अरे मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। कहाँ गया रे तू? हेलो, तुम कौन हो? मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हूँ। किडनैप करके तुम्हें कैसे सवाल पूछ रहे हो? किडनैप किया? ये मैंने कब किया? क्या रे, कल रात की उतरी नहीं है क्या? हाँ?
छी, मैंने क्या कर दिया, शिट। जो हुआ अनजाने में हुआ, सॉरी। मुझे हाथ मत लगाना। छी, मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया, इसलिए गुस्से में आकर ये हरकत कर दी। जो हुआ नशे में हुआ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर पे पहुँचा देता हूँ। मुझे घर वापस छोड़ोगे? देखो, मुझे गलत मत समझो, अब मैं अच्छा इंसान हूँ। अब तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँ। जिद क्यों करती हो? हकीकत में तुम्हें किडनैप किया होता तो कहाँ लेकर चला गया होता? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, फिर भी तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पापा ने मेरे पैसे हड़प किए हैं। ऐसा क्या? अगर मैं ना मानूं तो? ना मानूं तो क्या, मेरा पैसा डूब जाएगा। ऐसा मत करो। और हाँ, तुमने जबरदस्ती से यहाँ यहाँ चुआ, ऐसा कहूँ तो? मैंने कब ऐसा किया? शर्म करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो प्यारे, तुम मुझे घर ले जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा क्या? मैं मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कल रात सबके सामने तुमने मुझे किडनैप किया है। उन सबको तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाकर तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। अरे बाप रे। तो अब मैं जैसा कहूंगी वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे पास अब रास्ता क्या है? तुम चाहो तो उन्हें धमकी दे सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत चाहिए तो मुझे 10 लाख दे दो, उनसे मेरे लिए रैंसम मांगो। पैसा मिलते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मेरे तो उनके पास 6 लाख रुपए हैं, तो फिर 10 लाख किस लिए? छे तुम्हारे, 4 मेरे। अरे क्या बात है, ये तो अच्छा प्लान है। देखो राजा, तुम्हारा कैरेक्टर देखकर तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, चाहे तो हेल्प ले लो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। बार बार मेरे कैरेक्टर को बीच में मत लाओ, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मेरे पापा से पैसे निकालना मतलब शेर के मुँह से शिकार छीनना है, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश करो, तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं। शिट, मेरी फैमिली भी ऐसी है। तुम्हारी फैमिली ने मेरा पैसा हड़प किया और मेरे घर में पैसे का रोब चलता है। दोनों परिवार सेम ही हैं। देखो यार। ए, दोबारा यार, बेटा बाप कहा ना, जुबान खींच लूंगा। तुम चाहते क्या हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पैसा कैसे निकालूं? जो तुमने कहा वही करता हूँ। हे भगवान बचा ले। हेलो सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन है बे? मैं हूँ सेठ, जिसने तुम्हारी बेटी किडनैप की है। पहचान बताने के बाद पहचाना? मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखो सेठ, मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना, एक तो खुद गलती करते हो, मेरा पैसा लूट लेते हो, ऊपर से मेरे कैरेक्टर पे। हेलो हेलो हेलो, ए काट क्यों दिया, बात भी पूरी नहीं हुई। ये क्या है, भीख मांग रहे हो क्या? मुझे किडनैप करके मेरी बाप से पैसा मांग रहे हो? तुम्हें डिमांड करना है, बातों में दम होना चाहिए, वॉइस में बेस होना चाहिए, समझे? नहीं है क्या? मुझे देखो। क्या? ओ कंजूस की औलाद, तेरी बेटी को टुकड़ों में तोहफे के रूप में नहीं पाना चाहते हो तो इज्जत से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके आओ। वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की ना बुढ़ाऊ तो कसम धंधे की, बॉडी तोहफे में जो मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, ट्राई करो। शिट, अभी करता हूँ। मैं डरता हूँ क्या? अभी फोन करता हूँ। जय बजरंगबली। अबे माणिक, क्या मेरी बात ध्यान से सुन, जल्द से जल्द 10 लाख रुपए लेकर तू बैंगलोर बॉर्डर के पास पहुंचा, वो भी अकेले। चेले चपाटो या पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो तुझे पता है ना, तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। पिछले दिवाली के हीरो, जरा ओवर हो गया, शांत हो जाओ, अच्छा रहेगा, समझे? और तुम्हारी फैमिली, चलो। कोई बच्चा है? ये मोटू डिस्टर्ब करने कहाँ से आ गया? ए, ए। तुम वहीं पर रहो। सुनो, मैं अभी आता हूँ। सुनो तो। तू विसल बजा के डरा रहा है हमको, चला इधर, दोबारा मत बजाना। मोटू बच्चे पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? सॉरी मेरे गोल बोलू। ओए बच्चे को सॉरी बोलो। सॉरी और इसे? मैं नहीं बोलूंगा। बोलते हो या नहीं? ठीक है सॉरी, चल। प्यार से बोलो। प्यार से? मुझे प्यार व्यार से बोलना नहीं आता। जब तक प्यार से नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ए, तुम भी ना। प्यार से? प्यार से ना, प्यार से सॉरी बोलूंगा। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी सॉरी मेरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। लो प्यार से बोल दिया, चलो यहाँ से। ये लो, बाय गोलू बोलू। कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? एक सॉरी कहने के लिए इतना नाटक। ए, इंसान के अंदर थोड़ी सी फीलिंग होनी चाहिए। जब देखो तब मेरा पैसा, मेरा गुस्सा, मेरा कैरेक्टर, मैं इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बोल दिया, अब बिल्कुल चुप रहना। अरे कालिया भाई, वो कहाँ तक भागेगा? चाहे वो लड़की को कहीं भी लेके जाए, उसको हम यहाँ वापस लाएंगे। ए सुन, ये पोस्टर उठा और जितनी दीवार दिखे जाके चिपका दे, चल। ठीक है, अपन वही करते हैं।
यहाँ से चलो, जल्दी चलो। ए सुनो, जिसे हम ढूंढ रहे वो रहा। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। तुम लोग मेरी जूती भी नहीं पकड़ सकते, कभी कभी तो मैं खुद को भी नहीं पकड़ पाता। ये चल भागो। वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे क्या? यस। लेकिन किस लिए भाई? अरे मैंने लव जो किया। लव किया तो जान के दुश्मन क्यों बने? दुश्मन क्यों बने? मैं प्यार में मेंटल हो गया, आंखों में सिर्फ गम था। सुरेखा बाहर निकल। आधी रात को ये क्या तमाशा है? यहाँ क्यों आए हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। Now you tell me, मेरा प्यार तुझे पसंद क्यों नहीं है? इस शराब की वजह से? तमाशा करने में मजा आता है, चुपचाप चले जाओ। No! आज तो ये फैसला हो के रहेगा। देख तेरे प्यार में मैं भरत नाट्यम कर रहा हूँ और रॉक भी कर रहा हूँ। I love for you. मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो बिन मौत मारे जाओगे। मान जा रही तो खुद को सिगरेट से जला लूंगा। आग लग गई। पागल बेवड़े, मुझे आज मरेगा। मेरी लड़की तुझे नहीं मिली तो तू मेरा घर जलाएगा, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी बुलाता हूँ मैं मौलिए को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनो, देखो ये मेरा घर जला रहा है, अरे पकड़ो इसको। बाप रे बाप, तुमने प्यार के लिए दूसरे का घर जला दिया। यस, मेरे प्यार में फायर से भी बड़ी फायर है। हेलो मैडम, ये ऐसे कैसे हंसी हो? हेलो ब्रदर, इस लेडीज को समझाओ, मेरे हार्ट को हर्ट कर रही है। चुप रहो ना, क्यों हंस रही है? हेलो सुरेखा। सुन पागल, तुम्हें पीटने के लिए पूरा गांव ढूंढ रहा है। तुमने जो तमाशा किया वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। तुम अपनी बुरी आदतें कभी छोड़ोगे या नहीं? यस, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, उसके लिए मैं पश्चाताप करूंगा और मैं तेरे लिए ताजमहल ट्यूब बनवाऊंगा। तुम ताजमहल बनाओगे? ताजमहल चाय पीने की औकात है? चाय तो मैंने बचपन में ही छोड़ दी। तू एक बार ओके कर दे, मैं बस्ती में तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा और तेरे बाप को ना कर रखूंगा। ए चुप, दोबारा फोन मत करना। यार क्या है ना ब्रदर, मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूँ तो भी एतराज करती है। समझ नहीं आता लेडीज को चाहिए क्या। ए चुप रहो ना, क्या खी लगा रखा है? सॉरी, लेकिन तुम इतना सीरियस होके क्यों बैठे हो? तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। ए उधर देखना। कर रहे थे कवर कर रहे थे ना? आई लाइक इट। प्यार की कीमत तुम जानते हो ब्रदर, और इसे सिखाना होगा। खबरदार। चलो हटो 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 हटो। ये लो। तुम्हारे सीने पर ये निशान। ए, कुछ भी पूछती रहती हो तुम। अरे यार, अच्छा बताओ तुमने मेरा नहीं देखा क्या? इसलिए मैंने तुम्हारा देखा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो अनजाने में देखा होगा। अच्छा जो भी हो, देखा ना, अब तुम भी दिखाओ। चलो शर्माओ मत, तुम्हें देखना ही है। सिर्फ ना लिखा हुआ है, पूरा क्यों नहीं बनाया तुमने? ना से क्या? ए, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ओ, नंगा पुंगा एसोसिएशन के मेंबर हो क्या? चीची चीची क्या यार, अच्छा है। यूथ फैंटेसी, बड़ी बड़ी आंखें, मोटी कमर। ए, क्या हुआ? ये तुम क्या बक रही हो? बेशरम गई की। ना की जगह माँ होना चाहिए था। मेरा पैसा, मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरी बदनसीबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंफ्यूज्ड हो, कह दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत समझ लूंगी। उसका नाम था नविया।
प्यार प्यार की शुरुआत ही थी। तुम्हारी फैमिली को मंजूर नहीं था क्या? मेरी फैमिली में मैं अकेला ही हूँ। फैमिली को छोड़ चुके हो? आप भी ना सुनो तो ही अच्छा है। मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फिर भी आज तन्हा हूँ। किस्मत में जो लिखा है उसे कभी कोई नहीं बच सकता। गुजरे हुए कल की याद में दुखी होने से क्या फायदा। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, चलो खाओ। नो नो आई अंडरस्टैंड। ये बताओ नव्या का क्या हुआ? उसे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब? मेरा प्यार एक तरफा था इसलिए हम दोनों बिछड़ गए। हे भगवान, तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली और तुमने जाने दिया? क्या नहीं, सीरियसली, टेक्निकली एक लड़का लड़की के साथ भागता है तो उसे धोखेबाज कहते हैं, लेकिन एक लड़की को लड़का उठा कर ले जाए तो उसे जाबाज कहते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, खा लो। अरे सुनो यार, एक लड़की तुम्हें सलाह दे रही है, पल भर के लिए तुमने उसे प्यार तो किया था तो तुम्हें हिम्मत दिखानी चाहिए थी। अंकल। हेलो, दामाद बोल रहे हो? हाँ, मैं आपका दामाद अरविंद बोल रहा हूँ। बेटी को ढूंढ रहे हो कि नहीं? हाँ, उसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा। पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी इज्जत पर बात आएगी, और हमें इस बात का भी डर है कि आपकी बेटी को कुछ ना हो जाए, इसलिए जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में उठाई और हम ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और मेरे आदमी चप्पा चप्पा छान रहे हैं, एक बार वो हाथ लग जाए उसकी तो हम चटनी बना देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वादा? ये जरूरत पड़ी तो प्यार के लिए मैं जान भी दे दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। अरे फुलू आगे, चलो भागो। ये सही वक्त है निकलने का, देर नहीं करते हैं, चलो। कहाँ जाएंगे? ए, मुझे क्या मालूम। सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? किट्टू। हैं? किडनैपर का नाम इतना सॉफ्ट कैसे चलेगा? सूट नहीं कर रहा, बड़ा होना चाहिए जैसे। बाय द वे, मेरा नाम नंदेश्वरी है। और बाप ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है। थैंक यू। हेलो। हाँ? घूम जाओ घूम जाओ। उस लड़की को ढूंढने वाला कौन है भाई? मैं हूँ। लड़की कहाँ है? उसको भगाने वाला सामने है, हिम्मत है तो फेस करो। किधर? अरे बाप, मैं ही बेवकूफ। सुन, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। तू क्या सोचता है मैं कोई गली का मामू हूँ? मैं प्योर लव का रक्षक हूँ। लड़ लड़। बाप रे। प्योर लव? लगता है रॉन्ग कनेक्शन हो गया। निकल ले यहाँ से। ए, सुनो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, अगर कुछ हो गया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ये हमें पकड़ कर पापा के पास ले जाएंगे, आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, ओके? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? मैंने गलती से तुम्हारा किडनैप किया है, अब ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार वालों को कितना दुख होगा। तुम तो इमोशनल फूल हो यार। वो मैं भी जानता हूँ। मतलब तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है, मुझे जहाँ ले चलना है ले चलो, वैसे मॉरिशस बैंकॉक जाओगे तो भी मुझे चलेगा। ए, मजाक मत करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पकड़ो, पकड़ो उसे। पूरा चलो। जल्दी करो उसे पकड़ो। वो जा रहे हैं। लेडीज के सामने तो शर्म करो। जल जाता है।
तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ब्रूस ली की बहुत सारी फिल्में देखी है, दिखाऊं क्या? ए डंडा छोड़, अरे मुझे क्यों पकड़ा है, अरे मुझे पकड़ो। अरे बचाओ, बकरी जैसी शक्ल और शेर से भिड़ रहा है। पहले ये तो बता तू है कौन? ध्यान से सुन, मैं चाचा हूँ। अरे किसका चाचा? बीच में मत बोल वरना डायलॉग भूल जाऊंगा मैं। पहले मुझे अपना डायलॉग पूरा करने दे। देख ध्यान से सुन, मैं चाचा हूँ। मैं इस इलाके का शेर हूँ, चार पैर वाला जंगल में, दो पैर वाला शहर में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दोनों के तेवर सेम टू सेम। उसे बाद में देखेंगे, पहले इससे निपटो। 10, 20, 40, 50, 80, 200, 500 जितनों में भी हिम्मत है सामने आ जाओ। यही कही यही तुम्हारी ढिबरी टाइट कर दूंगा। ए, पोस्टर भाग रहे, पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। मालिक, उन्होंने आपको पहचाना क्यों नहीं? अरे नंदू, मुझे कैसे पहचानेगी? मैं अचानक सुंदर दिखने लगा, इसलिए वो भाग गई। और ये सब उस बेवड़े की वजह से हुआ है। लास्ट पैक खत्म हो गया, मतलब आज की रात पूरी हो गई। ए, कहां भागते हो, रुक जाओ। चलो जल्दी, चलो चलो। किडनैपिंग का काम इसने कब से शुरू कर दिया? हेलो डैडी, डैडी डैडी, ये जितना मांग रहे हैं उतना दे दीजिए डैडी, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप पुलिस के पास मत जाइएगा डैडी, ये लोग बहुत डेंजरस हैं डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, देखने में बहुत डरावने लगते हैं डैडी, प्लीज डैडी। हेलो 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 डैडी। हे हैप्पी ना, अब हमारा काम हो गया, डायरेक्ट पैसा आएगा। ट्रक में बैठो। इसे क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो यार? काम हो जाएगा यार, इतना टेंशन नहीं लेने का। आपके मनपसंद डॉक्टर कामेश्वर आज के प्रोग्राम में हाजिर हैं। लाइफ में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, उससे मुक्ति पाने के कई सलाह लेकर डॉक्टर कामेश्वर हाजिर हैं। संभोग हो या कोई और प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ खुश रहने से ही होता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको चलने के लिए सही राह दिखाएंगे डॉक्टर कामेश्वर। तो क्या आप डॉक्टर कामेश्वर की सलाह मानोगे तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। सारी टेंशन को भगाने के लिए हमें सब कुछ भूलकर डांस करना चाहिए। और क्या, आँख बंद करके म्यूजिक स्टार्ट करके एंजॉय करो बस। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ। नंदू उठो, ये तुम हमें कहाँ ले आई? पहाड़ के ऊपर आए हैं, ठंडी हवा चल रही है, मुझे सोने। अच्छा तो तुम्हें नींद आ रही है, हम पिकनिक पर आए हैं क्या? चलो उठो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। कहाँ जाना था और कहाँ पर ले आई? क्या यार चिल्ला क्यों रहे हो? क्या करूं? सर, ये कौन सी जगह? केरला है ये तो। केरला है? केरला में कहाँ? माझी गाँव। ओह माय गॉड, कहाँ है किट्टू? अरे चुप रहो, कुत्ते जैसे भटक कर केरला आ पहुँच गए। ये लड़की ना, अरे तुम्हारे वजह से हम रास्ता भटक गए। शिट। किट्टू, रुको तो, प्लीज किट्टू, मेरी बात तो सुनो। सब गड़बड़ हो गई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जो मिलना था वो भी चला गया।
एक पैसा नहीं है मेरे पास। नाम गया, इज्जत गई, पैसा गया, सब गया। इतनी बड़ी होने के बाद बच्चों जैसी हरकतें करती हो। तुम्हारी तो किट्टू, ये क्या किया तुमने? ओहो, हे मेरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी एक साल की पूरी तपस्या बर्बाद हो गई। हाँ, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसे पंडित जी के पास लेकर जाएंगे, इसे सजा मिलनी चाहिए। भाइयों, नहीं छोड़ेंगे इसे। सर, मैं सरेंडर करता हूँ। सरेंडर सर, सर सर प्लीज सर, मारना मत। सर, अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। अरे सर, मैं गलती से केरला आ गया। मेरे यकीन करो, मैंने कोई गलती नहीं की सर। अरे क्या आप समझ नहीं रहे? अरे सुनिए ना, मुझे कहीं नहीं आना है। जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, बोला था। साथ हुआ? अरे बताओ ना तुम, इन्हें क्यों नहीं बताती हम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं क्या कहूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि तू, उस समाधि के चारों तरफ तुमने सजावट देखी थी ना? हाँ तो क्या, कोई माता का मंदिर है क्या? नहीं, वो मन्नत पूरी होने के लिए एक प्रथा है जिसे तुमने बिगाड़ दिया। अब वो तुम्हें पूरी करनी होगी, वरना ये तुम्हें मार देंगे। इनकी मन्नत पूरी होने के बजाय इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इस बात से ये लोग घबरा रहे हैं। इसलिए इसका उपाय ढूंढने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। हमारे लिए इनके साथ जाना ही बेहतर होगा। नमस्ते महेंद्र जी, इसने बहुत बड़ी भूल की है। इससे पूछिए, इसने ये सब किसके कहने पर किया है? हा? अब मेरे साथ क्या होगा? हमारी साल भर की तपस्या को इसने भंग किया है। इसने गलती की, इसलिए आपके पास लाए। मान क्या इसे देवता का, इसे सजा मिलनी चाहिए। तो घबराना मत ब्रदर, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। खुद होश में नहीं हो तो क्या खाक लड़ोगे? यार नशे में ज्यादा अच्छा लड़ता हूँ मैं। ये गुनहगार है, इसे पुलिस के हवाले करो। ये मुझे पुलिस के हवाले क्यों कर रहे हैं? हाँ तो बुलाने देना पुलिस को। एक सिचुएशन को समझो, बच्चों जैसी बातें मत करो, पुलिस आ गई तो फंस जाएंगे। उसे बुलाने दे पुलिस को। मैं ड्रिंकर, सब कुछ मैनेज करने की कैपेसिटी रखता हूँ मैं। मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी यार। तू तो सेंटी हो गया यार। डर लग रहा है कहीं अंदर ना कर दे। हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं होता है ब्रदर। जिंदगी में किसी के लिए लटकना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी इस लड़की के साथ लटकी हुई है। गलती तुम्हारी, भुगत मैं रहा हूँ सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मेरी गलती है। पिताजी नादान है, छोड़ दीजिए। महंत जी आप पुलिस को बुलाइए। शांति शांति, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। मृदंग के साथ मनाए जाने वाली ये हमारी बहुत प्राचीन प्रथा है, इसीलिए तुम्हें शुद्ध होकर इस प्रथा को बरकरार रखने के लिए प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारी वजह से प्रथा को चोट पहुंची। ओके ओके, हे थैंक्स कह दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थैंक्स। उससे पहले तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध? वो कैसे? कौन है? कौन? हस्बैंड है, लवर है, फिर कौन है वो? मेरी लाइफ में एक अजनबी बनकर आया है ये। क्या रिश्ता है पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो ये मेरे दिल के इतने करीब आ गया। जोरों से ठंड लग रही है, गरम कॉफी पीनी चाहिए। कॉफी पीनी चाहिए? हाँ। आ जाओ, चलो अंदर जाके तैयार हो जाओ, हम लोग फिर आते हैं। ठंड से जान जा रही है, अच्छे लवर मिले मुझे। तुम्हें हंसी आ रही है? आइस बन गया हो, आइस 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 किस वजह से? कुछ नहीं पता, किसी तरह पूजा हो जाए मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। बाप रे, वो लाओ। कौन सा? ये वाला? नहीं वो। अरे नहीं, मुझे अपना बदन सुखाना है। वो लाओ जल्दी। तो ठीक से पहुंचो। जाओ यहाँ से। जा नहीं रही है। अरे मुड़ जाओ, मुड़ जाओ ना। ये क्या कर रही थी? तुम्हें कोई लाश शर्म है कि नहीं? कुछ भी करती रहती हो। मैं तो तुम्हारी पता नहीं किससे पाला पड़ा है। जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है। नंदू नंदू प्लीज, नंदू नंदू, अरे नंदू मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज मेरी लुंगी दे दो। फाइन,
राइट, वो भी इस तरह की, मुझे नहीं आते। अरे जाने यार, लड़ गया क्या? अरे मुझे नहीं लड़ना है, बोलो ना। कर रहा है, जा जा कर। क्या डरता है? डरता क्या? आजा, लड़ मुझसे। लड़ लड़ लड़, ए लड़। लड़ लड़। ए क्या देख रहा है? लड़, तलवार उठा। अरे ये तो सिर्फ प्रथा है, फिकर मत करो, कुछ नहीं होगा, ये बस एक खेल है। तुम तैयार हो क्या? मैं तो कब से तैयार हूँ, हथियार उठा के आ जा। चुपचाप खड़ा हुआ लड़ने के लिए बोलना। ये सिर्फ एक आर्ट है, ये फाइट सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है। ब्रदर, यो फाइट। क्या है यार? ये फाइट जीतेगा ना तो ये लड़की तुझे किस करेगी। बकवास मत कर, जान ले लूंगा। और अगर तू हार गया तो तुझे मुझे किस करनी पड़ेगी। क्या बोला? अरे डरा रहा हूँ, तभी तो जीतेगा। अरे किट्टू, चुप। रोको उसे। हेलो, वो तो ज्यादा सीरियस हो गया है, किस देनी पड़ेगी। खेल को सीरियस होके खेलने के लिए तुमने ही तो उसे उकसाया था। हाँ, महन जी के सामने अब वो सॉरी बोल देगा और तुम्हारी शर्ट धरी की धरी रह जाएगी। इसका मतलब तुम दोनों ए किट्टू, तुम जीत गए हो, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मुझे किस करना होगा। किस करते समय अपनी आंखें बंद कर लेना, कुछ नहीं दिखेगा। शक्ल तो बहुत भोली है, लेकिन लड़की बहुत चालू है। मेरे लिए तुम सच में लड़ने लग गए, तो फिर अब मुझे किस करो ना किट्टू। ए छोड़ो, बेशरम कहीं की। धत, कौन सी गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ, किस करने की पनिशमेंट। तुम प्यार से किस कर सकते हो ना। ए, मैं क्या पागल हूँ जो ऐसी बेशर्मी करूँ। ये मुझसे नहीं होगा। जरा अपने दिल से तो पूछो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर यहाँ की जो प्रथा है उसे निभाना होगा। और इसमें क्या बुराई है किट्टू? सिर्फ एक किस ही तो करना है, कर लो। तो मैं भी बेशर्म बच जाऊंगा ही ना। लड़की जब चाहती है तब उसका फायदा नहीं उठाया तो मौका हाथ से निकल जाता है, ऐसा कहा है डॉक्टर कामेश ने। टिंग टिंग। आओ आओ, जल्दी आओ। चलो चलो। अरे जल्दी आओ, चलो चलो। थैंक यू सो मच। नंदू, जल्दी चलो। किट्टू, कम से कम थैंक्स तो कह दो, हमारी हेल्प की ना। हां जी, थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हो गया ना, चलो जल्दी। प्यार से। ये ना सरदर्द है। छे, क्या चाहती हो, प्यार से थैंक्स कहूं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हो गया, बाय। हां बाय। चेहरे पर हंसी तो आई। चलो अब हमें अपने मंजिल की ओर निकलना है। मैंने फोन कर दिया है, वो लोग तैयार हैं। मैं तुम्हें यहाँ रुकूंगा, उनसे दूर 1 किलोमीटर पर एक जीप रुकेगी, उसमें से मैं पैसे ले लूंगा। उसके बाद मेरा काम खत्म। मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें। रास्ता बताओ। नंदू, सुन रही हो ना? सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। काम होने के बाद मैं अपने मेहनत का पैसा लेके निकल जाऊंगा। मुझे पैसे क्यों चाहिए ये मुझसे पूछोगे? नहीं होगी तुम्हारी कोई जरूरत, इस बात से मुझे क्या करना है? पैसा लेने के बाद तुम्हारे साथ क्यों भागी हूँ ये भी नहीं पूछोगे? बड़े लोगों की आदत होती है, तुम्हें शायद लड़का पसंद नहीं होगा। मैं शादी तो करना चाहती हूँ, पर वो लड़का मुझे सच में पसंद नहीं। वो सब रहने दो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? नंदू, इस वक्त तुम ये कैसे सवाल कर रही हो? मैं पसंद हूँ या नहीं, अब आगे जाकर हम कब मिलेंगे क्या पता, इसलिए जल्दी बोलो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम नव्या की याद में खोए रहोगे तो उसके मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। मुझे पसंद करते हो? थोड़ा सा। ये तो मैं पहले से अंदाजा लगा चुकी थी, तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे हो।
सच कहूँ तो तुम मुझे नव्या की जगह रख सकते हो। अरे तू उससे प्यार करता है इसीलिए तू उसे साथ लेकर गया ना। यार तुझे सच बताऊं तो मैंने उसे किडनैप किया है। तो अब अपने दिल की बात बता दे। नहीं, लड़की से सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है। आ? बात किडनैपिंग तक है वही अच्छा है। ए, रुक रुक। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे। सुन राजू, मेरी बेटी सेफ है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारा पैसा भी सेफ है। वो कैसे? उसके लिए जो पैसा छोड़ा है वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ? पूरा बैग नकली नोटों से भरा हुआ है। हाँ? चलो मुड़ो। हुँ? मुड़ो ना। मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? तुम्हें किडनैप किया है ये लगना चाहिए। नाइस, मान गई, प्रोग्रेस कर रहे हो। पैसा है क्या? सॉरी नंदू। क्यों, क्या हुआ? हमारे लिए यही सही है। मतलब तुम मेरा हाथ नहीं खोलोगे, मुझे मेरे बाप के हवाले कर दोगे? अरे ए, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम चीटर हो, ये सरासर धोखा है। एक लड़की को बीच राह में छोड़कर भाग रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं घर नहीं जाना चाहती। वहाँ वही होगा जो मैं नहीं चाहती। मुझे धोखा देकर मत जाओ, लौट आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? इसकी गाड़ी आधे में क्यों रुक गई? पता नहीं अब क्या होगा। अरे जाओ बच्ची को ले आओ। रुक जाओ, आ गया। बिजनेस तो साइलेंस से किया जाता है, वायलेंस से बिल्कुल नहीं। मैंने थोड़ा नुकसान क्या किया? तूने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। स्कूल का हेडमास्टर है क्या?
यहाँ कुछ पंगा है क्या? ये है तेरा बिजनेस? शराफत का ड्रामा जग्गू के सामने नहीं चलेगा, सामने वाले को खींच के जमा के बात करने का। जा अंदर जा। ए गोविंदा भाई, वो काशी का प्रसाद लाया क्या? ठीक है भाई। ए काशी, इसे पकड़ा तो ये तेरा नहीं तो मेरा, कैच। देखो छूट गया। चलो टहले, अब ये हमारा। बिल्कुल भाई, जग्गू आज मजा करेगा। ए लड़की कहाँ है? कहाँ है? वहां पे। मैं हूँ। एक शब्द बोलना। मुझे धोखा देकर पैसा लेकर चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है नंदू, माना कि मैंने कहा था। चीटर निकले यार तुम तो। ये बताओ, मुझे यहाँ लाया गया ये तुम्हें कैसे पता? बताओ ना, इसमें तुम तो शामिल नहीं, तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? ए, पागल हो गई हो? मैं इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ? ये मेरा घर है और ये मेरी फैमिली वाले। फैमिली वाले? दिखने में तो ये विलन का अड्डा लग रहा है। तुम्हारी फैमिली वालों ने मुझे क्यों किडनैप किया? सब ऐसे ही है नंदू। हाँ? हमारा फैमिली बिजनेस है किडनैपिंग का। है? क्या कहा? किडनैपिंग का? हाँ, किडनैपिंग का। इंसान को दो वक्त की रोटी चाहिए जीने के लिए, और वो दो वक्त की रोटी के लिए हमारे पुरखों ने किडनैपिंग का बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस सालों से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे फैमिली के सेंटीमेंट में एक सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं आया। आप सब लोग देख रहे हैं ना, हमारे खानदान में नया वारिस आया है। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा को मुझसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनका दिल तब टूटा जब मैंने बंदूक की जगह फूल चुना। उनके टूटे दिल को मेरे बड़े भाई ने किसी तरह संभाला। एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मुझे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस बनना था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे वीरप्पन का गेटअप देकर भेज दिया, और उनके खौफ की वजह से मैं मेडल जीत गया। तुम एक बात मत भूलो, हमारी शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने घर वालों के साथ बगावत की है। इतना सब हो जाने के बाद कुछ गड़बड़ मत करना। मैं सच कह रही हूँ पवन, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, अब ये सब बातें भूल जाओ और शादी तक अपने आप को संभालना। वैसे इस वक्त वो कहाँ है? बस 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 बस, हो गया। बहुत दुख रहा है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दीदी, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत दुख रहा है, बस हो गया। I love you नव्या, तुम भी मुझे I love you बोलो ना। मुझे अर्जन तुम्हारे घर वालों से बात करनी है। मेरे घर वालों से बात करनी है क्या? उन्हें तो समझाना ही होगा, अगर मैं उनसे बात करूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मेरा उनसे बात करना कोई गलत तो नहीं होगा ना? मतलब मैं मेरे घर वालों से नहीं, तुम्हें कह दो, बात तो एक ही है ना। मैं पवन नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसके परिवार वाले बहुत ही नामचीन लोग हैं, उसके साथ मेरी शादी भी तय हो गई है। पवन के साथ मेरा घर बसेगा कि नहीं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। मैं पैसे के लालच में आकर ये सब नहीं कह रही हूँ। किट्टू ने कहा आप मान जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? ये क्या है जनता की सेवा? सेटलमेंट के बिजनेस में सेंटीमेंट नहीं चलता, समझा इसे, पूछ पैसा कितना मिलेगा। ये काम पैसों के लालच में नहीं कर रहा हूँ, बेचारी गरीब है, मेरे खातिर आप मान जाइए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट सुनिए बापू, बचपन से ही इसे हमारा बिजनेस पसंद नहीं है, एक बार कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला है, मान जाइए, किसी की दुआ काम आएगी। पवन ने मुझसे पहले बाजी मार ली, नव्या की शादी उससे हो गई, उसकी निशानी एक चप्पल रह गई,
हमारा बैकग्राउंड जानने के बाद ऐसा होगा ये मुझे पता नहीं था। वक्त गुजरता गया, पापा भी चले गए, हमारा खानदानी बिजनेस बड़े भैया ने अपने हाथ में ले लिया। अपन है ना? ये धंधा सही नहीं है भैया। क्या? पापा के साथ इसे भी जाने दो। ए, बच्चों जैसे बातें मत कर, अपना काम कर। भैया मेरी बात पर जरा गौर कीजिए, ये काम सही नहीं है। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, आज हमें यही आशो आराम की जिंदगी दे रहा है। ये हमारे पुरखों की देन है। फैमिली भूखी रहेगी तो मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ, किडनैपिंग का काम नहीं करूंगा। हमारे लोग जहाँ से भी गुजरते हैं तो लोग डर के मारे किनारा कर लेते हैं। खुशी से किसी की दुआ इस चौखट पर नहीं आई, बदुआओं को हम घसीट के घर ले आते हैं। ऐसे घर में मैं कैसे रहूं? प्लीज भैया, ये बिजनेस बहुत हो गया। सात पीढ़ियों से धंधा चला आ रहा है, परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से मुझे, जो कोई इसे आसानी से छोड़ दे। क्यों, घर में सब खुश नहीं है? मैं खुश नहीं हूँ क्या? तो रिक्वेस्ट कर, हाथ पैर जोड़, मेरा फैसला फिक्स्ड है। मेरी बात आप समझते क्यों नहीं हो? आप जो घर उजाड़ते हो उसके यहाँ मुझे ऊपर से नीचे तक घबराहट हो रही है। आप अगर बदलना नहीं चाहते तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर छोड़ के चला जाएगा, सिर्फ दो दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बेईमानी की रोटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस घर में दोबारा तभी लौटूंगा जब मैं अपनी मेहनत से कुछ बन जाऊंगा। मैं अपने परिवार वालों को दिखा दूंगा कि मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो हराम की कमाई में नहीं। ये मेरा वादा है। तेरे हिस्से का बैलेंस पड़ा है, वो तो लेके जा तू। भैया सुनो तो। तू फिकर मत कर, कहाँ जाएगा, दो दिन में गुस्सा उतर जाएगा तो खुद हुआ खुद लौट आएगा। वो नहीं आएगा जी। अरे तुम जाओ ना, खाना परोसो। ए, मेरा दुख तुम्हें मजाक लग रहा है? ओके, तुम्हारे भैया से पहले तो तुमने मेरा किडनैप किया था। मतलब किडनैप किए बिना तुम लोग रह नहीं सकते हो। ए, मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया, तुम अपने पापा के जुर्म से बचने के लिए मेरे साथ आई हो। बात जो भी हो, हुआ तो मेरा किडनैप ही है ना। मेरी बात मानो, तुम अपने भैया के साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं रेकमेंड कर देती हूँ, किडनैपिंग के मामले में मैं तुम्हें 10/10 दूंगी। ए, ऐसी गलती से भी मत करना, वो अपने धंधे में मुझे भी घसीट लेंगे जो मैं नहीं चाहता। अपना छोटा है ना, उस लड़की से प्यार करता है भाई। यहाँ से भाग कर उसने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है भाई। देख लिया ना कितनी प्यारी लड़की पटाई है उसने। तेरा ट्यूबलाइट अभी जला गया। अगर उसे यही बिजनेस करना होता तो लेडीज वीकनेस क्यों लाता? पहली लड़की को उसने डील करने को कहा, मैंने फ्री डील किया। इस लड़की को प्यार का नाम देकर लव लव करके इधर उधर भटक रहा है। अब बता इसमें धंधा कहाँ है? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटा कहाँ है, बुलाओ उसे। ठीक है भाई। मेरे भैया ने तुम्हें किडनैप किया है, मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। इधर आओ, चलो चलो बाहर, जल्दी करो निकलो। भाई बुला रहे हैं तुम्हें, आजा आजा। तू इस घर में लौट के नहीं आने वाला था ना? जग्गू के साथ कब तक आंख मिचौली खेलेगा बेटे? आंख मिचौली नहीं खेल रहा हूँ, गलती से आ गया। गलती से आ गया? जी, आना था इसीलिए आए हो। अपनी मर्जी से आए हो कहने में शर्म आ रही है क्या? मैंने कहा ना मैं गलती से आ गया। लड़की से प्यार करता है तो छिपाने के लिए बात क्यों बदल रहा है? प्यार करता हूं। इस जग्गू ने बहुत दुनिया देखी बेटे, एक लड़की से प्यार, घर वालों से झगड़ा, दूसरी लड़की के साथ आगम भाग। प्यार नहीं? हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो प्लीज मुझे संभाल ले, तो तुम चुप रहो। ये बड़े लोग हैं ना। कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू? प्यार करना गलत नहीं है। एक तो गुस्से में आकर घर छोड़ दिया तूने, और बाहर जाकर यही धंधा शुरू किया क्या? करेक्ट बोला आपने, मैंने यही काम शुरू किया। चलो दो। एक कदम बढ़ाया तो टांगे काट दूंगा। वो द्वार को छोटी की शादी है। अच्छा रिश्ता आया था, मैंने बात पक्की कर दी, उस वक्त तू यहाँ नहीं था। छोटी का दिल तोड़ के जाएगा क्या? छोटे, हमारी दौलत हमारी छोटी बहन है, तू जाके उसका दिल नहीं दुखाएगा। कुछ भी हो, तुझे चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन छोटी की शादी होने तक तुम दोनों यहीं रहोगे। उसके बाद तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। सुनो लड़की, तुझे कोई एतराज तो नहीं? तू इससे प्यार करती है ना? अपनी जान दे सकती हूँ इसके लिए। हाँ,
अपने माँ बाप को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। अरे तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? माना के घर से भाग के आओ, फोन करो, मैं मनाऊंगा उन्हें। मना नहीं है ना, वो हम कर लेंगे, है ना? जग्गू के होते हुए तू अपने ससुराल वाले को मनाएगा? तू फोन लगा बेटा, मैं बात करता हूँ, सारी टेंशन अभी सॉल्व। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अपन किट्टू का भाई जग्गू बोल रहा है। क्या? इसका बाप बहुत डरा हुआ है। मेरे छोटे ने बिल्कुल सही किया है, अभी मैटर क्लोज करने का है अपन को। क्या क्लोज करना है जी, मैंने अपनी बच्ची को फूल की तरह पाला है, प्लीज मेरी बच्ची को मेरे घर भेज दो। ए सुन, जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं लौटाते, बात मान लो भलाई उसी में, मैटर को ज्यादा उछालो मत। तुम्हारे भाई को 10 लाख देने के लिए मैं रेडी हूँ जी। जबान संभाल के बात कर बे, तू जग्गू के भाई की कीमत 10 लाख लगा रहा है? ए, आप उनका भाई अनमोल है अनमोल, इसकी कीमत नहीं है। मैंने अपनी बच्ची की कीमत बताई है भाई। कितना कमीना बाप है बे तू। क्या? सॉरी, सोने जैसी बच्ची है तेरी, सौदा कर रहा है उसका? लगता है हम दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, आप ही रेट बता दो। चब्बे, आप उनके भाई के प्यार को खरीदना चाहते हैं क्या? अरे तुम्हारे भाई के प्यार से मेरा क्या लेना देना है? मेरा नहीं है तो नहीं है, आप उनका तो है, आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम भी सुन लो, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं भी चुप नहीं रहूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, पुलिस में कंप्लेन करूंगा। ये मुझे डरा रहा है। तू किसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेगा वे? क्या? ये ले बेटा, अपने बाप से कह दे तू सेफ है, चल रहे काम है। हाँ भाई। हेलो पापा, अब मैं सेफ हूँ, अब घबरा क्यों रहे हैं? बेटा वो मैं नंदू, क्या है कि मैं तो बस यूं ही। नंदू, नंदू किट्टू भैया आप आ गए? तुम आ गए, चलो अंदर आओ। कैसे हैं आप भैया? नंदू अंदर लेके आया हूँ मैं, अंदर बोल दे। मैटर क्या है? पहली बार आ रहे हो, पहले मिल तो लो फिर मैटर पूछना। काका बिहारी गैंग से है लल्लू। हाँ हाँ, बॉस किधर? एक स्टेप, एक स्टेप, मुझे बस एक स्टेप चाहिए। ये स्टेप स्टेप कह रहा है, इसका मतलब क्या है? जरा ऊपर देख, आज दीपावली है क्या? नहीं, हमारे मालिक जग्गू से टक्कर लेने का दिन है, उनसे एक स्टेप ऊपर चढ़ना हमारे मालिक की ख्वाहिश है, पर अब तक मौका नहीं मिला। उस एक स्टेप के लिए ही तुझे यहाँ बुलाया गया है। चिंता मत कर मुन्ना, काम हो जाएगा। हाँ, लक्ष्मी देवी के कजिन ब्रदर्स आए हैं, आपकी क्या राय है पापा? हे, क्लाइंट को फोन लगाओ, कजिन ब्रदर को बचाने के लिए लक्ष्मी देवी क्या करती है देखते हैं। कजिन जरा वीक लग रहा है बेटा। इसे बचाने के लिए लक्ष्मी देवी को तो छोड़ श्री देवी भी नहीं आएगी। आप हमेशा उल्टी बात करते हैं, इसके जरिए मैं जैकपॉट जीत के दिखाऊंगा देखना। अरे किससे बात कर रहा है? अपने डैडी से। डैडी? हाँ तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये जब भी टेंशन में होते हैं ना अपने डैडी से इसी तरह बात करते हैं। इस तरह? ये थोड़ा पागल है क्या? ए, क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बॉस के बारे में? उनका जब भी कोई काम उल्टा होता है ना तो इसी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह बात करते हैं वो। भाई इसका बेटा फोन पर है। ए, जानता है तेरा बाप इस वक्त कहाँ है? उसका किडनैप हो गया है। मेरे पिताजी को आपने किडनैप कर लिया? अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो शाम तक 5 लाख रुपए लेकर आ जा। मेरी टेंशन दूर कर दी तुमने। टॉर्चर था मेरा बाप। देखो मेरे भाई, उनका किडनैप बड़ी मुश्किल से किया होगा तुमने, कुछ दिन अपने साथ रखो ना। मेरे बाप को खाने पीने के सिवा कोई शौक नहीं है, वेज नॉन वेज दोनों चलेगा, एक दिन में 4 मुर्गा की कैपेसिटी है उनकी। ए, क्या तू फालतू की बकवास कर रहा है? तुझे अपना बाप चाहिए कि नहीं? देखो तुम्हारी मर्जी है, देना हो तो दो वरना रख लो। शाम तक वक्त देता हूँ, अच्छी तरह से सोच ले। इसमें क्या सोचना यार, पैसे का इंतजाम मैं कैसे करूँगा यार? देखना कुछ इंतजाम होता है तो करना है। मैं भी बिजी हूँ, बाद में फोन कर। कौन इसे उठा के लाया? कौन? अरे देखो वो जग्गू एक लड़की को उठा कर लाया है, सुना है पैसे वाली घर की लड़की है। शा, मुझे हमेशा से ऐसे मनहूस ही मिलते हैं। यही अपना बॉस है क्या? हाँ क्यों, कोई शक है क्या? कौन है ये 2x2 का लंगूर? ए, जानता है मैं कौन हूँ? अभी पता चला, तुम्हें और तुम्हारे गैंग को सबको जान गया। ए, मैं क्या हूँ अभी से बता। लल्लू को खास काम के लिए बुलाया भाई, किडनैपिंग की ट्रेनिंग लेकर के ये आजकल किडनैपिंग। बस
हमें लल्लू कहते हैं, मैटर समझ में आ गया। रिलैक्स, अगर दुश्मन से एक स्टेप आगे बढ़ना है तो चूहे बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया, अगर उसे हम किडनैप कर लें, तुम्हारा एक स्टेप चढ़ना कन्फर्म हो जाएगा। तुम शार्प माइंड हो, बचपन से प्लान बताओ। गौर से सुनो, यहाँ जग्गू है और यहाँ उसके आदमी, यहाँ लेडीज है, यहाँ सीढ़ी है, इस कमरे में वो लड़की है। यहाँ से स्ट्रेट आके जग्गू के पीछे से होते हुए सीधा लड़की के कमरे में जाके उसे उठा लेंगे, सिंपल। और लड़की नहीं मिली तो? ये पूछ रहे हैं, लड़की नहीं मिली तो? कहीं और से उसे कैच कर लेंगे। कैच नहीं किया तो? क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं। इन केस वो लड़की उस कमरे में नहीं मिली तो क्या करोगे, ये बताओ। तुम भी शार्प हो। एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा ही। एक बकरी भी नहीं उठा पाओगे इस प्लान से। प्लान मैं बताता हूँ, सुनो। इसे अपने पास रखेंगे तो जग्गू के सारे लोग इस बिहारी को पहचान जाएंगे, इसलिए इसे वहाँ भेजकर वहाँ की खबर लेंगे और मौका मिलते ही उस लड़की को वहाँ से उठा लेंगे। ये है सही प्लान। मतलब लड़की को तुम कैच करोगे? मुझसे कैच नहीं हो तो? मुझे तुम्हारे पापा पर भरोसा है। अबे टू बाय टू प्लान मैं बताता हूँ। अरे गोविंदा भैया, कृष्णा का मैटर देखा भाई ने कैसे सक्सेस किया एक झटके में? एक फोन में ही सब कुछ सेट हो गया भाई। फिर भी अब उनके सामने ना कुछ कर रहा है। छोटे को कितना ईगो है, छोटी बहन की शादी एक बार आराम से हो जाए। ये छोटू बचपन से अपन का जान था, अपन का वक्त कभी नहीं टालता था, पर अब देख छोटी छोटी बातें उछलता रहता है, बहुत दिल दुखाता है। छोड़िए ना भाई, अभी वो बच्चा है, ये तो घर घर की कहानी है भाई। मेरे माँ बाप छोटे भाई को नहीं डांटते, गलती करता है वो डांट मुझे सुननी पड़ती है। मतलब अपना छोटा सुधर जाएगा? हाँ। जितनी शरारत करनी करने दे, वो भी छोटा है। जग्गू भाई ये हमारे लिए काम करना चाहता है इसलिए आपसे मिलने आया। देखना यार कितने लोग हैं जो अपने धंधे को गलत समझते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। खैर जो भी हो, जलने वाले जलते रहे, अपन अपना काम बिंदास करेंगे। चल इसके लायक जो भी काम है से दे दे। जी भाई। आशीर्वाद दो भाई। ठीक है भाई। पिस रहा है ना? हाँ डालो, चावल डालो। सुनिए मालकिन, मालिक शायद किसी पे बिगड़ रहे हैं। ओहो ये तो जैसे उनकी आदत ही बन चुकी है। पिछली बार अपने भाई पर भी ऐसे ही बिगड़े थे, तो देवर जी घर नहीं छोड़ते तो और क्या करते। छोटे को ईमानदारी पसंद है और बड़े को गलत काम। एक कड़वा करेला है और दूसरा मिठाई की दुकान। दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। मेरी समझ में नहीं आता मैं किसकी तरफ जाऊं। मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सुन नंदू, तुम उसे प्यार करती हो ना? अगर तुम उसे समझाओगी तो वो जरूर समझ जाएगा। कान खींच कर उसे समझाती हूँ। लाओ। जग्गू भाई ने जितना बोला उतना ही करना, कुछ समझा? आपका यही गेटअप है? किट्टू जी लड़की को चाहता है वो कौन है? वो यही है, खरा सोना है। फोन कर लूँ एक? ठीक है जल्दी कर ले। हेलो बॉस, सोने की मुर्गी मिल गई है, वो किट्टू को खाना खिलाने गई है। क्या? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी, अब भी लेके आओ उसे। रास्ता साफ है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता साफ है, मैं हूँ क्या? जल्दबाजी मत करो, मैं हूँ ना, मौका देकर बुला लूंगा। अच्छा वो मेरा पेमेंट करवा देना, अंकल को हाय बोलना, बाय। पापा कहाँ है? किसी तरह इस मुसीबत से जान बचानी है, किडनैप का इल्जाम भी सर से हटाना है। बेटा किट्टू कुछ कर नहीं तो अटक जाएगा, लेकिन क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भाग निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार में टेंशन क्यों लेना, अपने आप पर विश्वास है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हां ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ब्रीद इन। इतनी जोर से मारना जरूरी था? लग गया क्या? यहाँ। क्या हुआ भैया? मेरा घुटना गलती से। अब ये बताने की क्या जरूरत है? इससे क्या छिपाना? अब पेट, पेट में लग गया। ऐसा क्या? पेट में लगा, तू ध्यान रख इसका। ए अपन आता है। ओहो ऐसा लग रहा है तुम्हारा तो विकेट ही गिर गया। ए मेरे पेट में लगा, तुझे क्या करना, तुझे भूख लगी है तो खाना खाना, चल जा यहां से। मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम मेरे हाथ से प्यार से खाओगे। कौन कैसे प्यार करता है? जान से मार दूंगा, फिर से बोली दो, चल यहां से। बड़े भैया आपके भाई ने मुझे किडनैप की। मामला फिट है ना? मेरी बात ही कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा तो? हाँ हाँ मुझसे छुपाओगे? थाली दे। नौटंकी में कोई कमी नहीं है, आकर आ। तू भी आकर आ, आ, आ। तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? यहाँ
सावधान रहना, आपके पीछे से एक छोटा रास्ता है, मैंने गेट खुला रखा है, वहीं से आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। तुम चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ओके? बस चुप रहो। एक हाथ से तुमने मेरा मुंह बंद किया समझ में आता है, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अरे बाप रे, हर बार में इतना झटका क्यों खाते हो? टच तो किया ना, बताओ मन में लड्डू फूटा? हाँ, नसीब फूटा है मेरा, क्या मुसीबत के लिए पड़ी है। कहाँ की तैयारी कर रहे हो? यहाँ से निकलने की। लेकिन क्यों? क्यों? जिंदगी भर यही रहना है? हाँ। मैं रास्ता साफ है क्या देखता हूँ? हाँ? यहाँ से निकलना है, तुम बस तैयार रहना, चलो। हाँ बोलो। क्या यार, भैंस के तबेल में एंट्री करवा दी तूने, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो जहन्नुम में एंट्री हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र रखो। वो सब ठीक है, अब कहाँ आना ये बता। यहाँ गोबर की बहुत बदबू आ रही है। एक काम करो, भैंसों के साथ रहो। पता है क्यों? वो किट्टू उस लड़के के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा है, हमारे प्लान पर पूरा पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो, हम जो करने आए वो तो करके ही जाएंगे, उस लड़की को जरूर किडनैप करेंगे, पीछे नहीं हटना है। तुम लोग जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो, वहाँ से स्ट्रेट आओगे तो वहाँ एक गोदाम मिलेगा, तुम लोग वहीं रुको, जैसे ही काम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना? ध्यान से सुना, मौका मत गंवाना। ओके। अगर ज्यादा बोली ना तो। हेलो। अरे मेरे भाई, लगता है मौत अपने साथ फंदा लेके घूम रहा है। तुम एक काम करो, तुम लोग सब लेफ्ट की तरफ जाओ, वहाँ एक सीढ़ी मिलेगी, उस पर चढ़ के ऊपर आओ। मैं किसी तरह किट्टू को डाइवर्ट करता हूँ, तुम लड़की को लेकर फुर हो जाओ। ध्यान रखना, उस लड़की ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है। अरे आत्मा, टारगेट तो मेरे सामने है, व्हाइट ड्रेस में ही बैठी है, लेकिन जग्गू उसके गाल नोच रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई जश्न चल रहा है। ये साला मरवाएगा। अरे मेरे भाई, वो जग्गू की बीवी है, अगर उसे छुआ भी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे यार बेवकूफी मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये लोग कहाँ गए? उधर होंगे। कुकड़ को भाव भाव। कुकड़ को भाव भाव। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं यहीं पर हूं ना। अरे लाल, उधर नीचे उधर। तू यहाँ क्या कर रहा है? हवा हवा खा रहा हूँ। और यहाँ बात किससे कर रहा था? बाबूजी से। बाबूजी से? वो क्या है ना, जब मुझे हाइपरटेंशन हो जाता तो मैं बाबूजी से बात करता हूँ। बाबूजी, ये छोटे मालिक बहुत प्यारे इंसान है। हाय बोलो। तू पागल हो गया क्या? पागल नहीं, फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ जाता है तो ऐसी हरकतें करता हूँ, ये बीमारी है। अरे इसका तो दिमाग ठीक नहीं है, इसको कोई बीमारी लगती है। आप शायद सही कह रहे हो। तुझसे कुछ जरूरी काम है, भाई तुझे बुला रहे। क्या हुआ मालिक? वो सीढ़ी यहाँ कैसे? चल, ये आवाज कैसी? अरे बाप रे, कौन है उधर? चल देखते हैं। अरे जग्गू भाई आ रहे, भागो भागो यार, भागो। अरे बाप रे, ये आंटी इतनी ऊपर से कैसे गिर गई मालिक? मैंने आपके भाई को यहाँ देखा। अब उनका भाई किधर है, जाके देखो। ए, चलो जल्दी चलो। सब कुछ बिगाड़ दिया, पता है तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी जिंदगी से तुम। मैंने इन्हें बहुत समझाया जेठ जी, आपका छोटा भाई समझता ही नहीं। आप तो समझदार है ना, आपको कुछ तो सिखाना चाहिए था इसे। कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही ऐसे हैं। तू मेरे साथ चल। अपन को भी लपेट लिया।
छोटे बच्ची ने जो कहा वो सही क्या? तू इसकी जिंदगी से खेल तो नहीं रहा? चुप, सही बता। मैंने उस लड़की को एक मकसद से लाया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या? ये तेरा मकसद? अपने आप पे कंट्रोल रखा कर छोटे। देख, अपन तुझसे नाराज नहीं है, तू अपन का छोटा भाई है, जरा खुल के बात करना। तू अपने फीलिंग को काबू में रखेगा ना तो शादी के बाद ब्लास्ट करेगा। मेरी बात सुन, मर्द बन। जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है ना वही असली मर्द है। जब भी मूड आना तो चुम्मा दे, ऐसा मत कहना। लड़की के सामने इमेज खराब होती है। समझा कि नहीं? कुछ आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताऊं भैया। हाँ बता। हम दोनों के बीच का रिलेशन ना बहुत ही घटिया है। तूने जो काम किया उससे भी घटिया। तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बेवकूफ। ये तो बहुत अच्छी वाली है। भैया बोलो, इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है आपको? दोनों भी अच्छी हैं, तुम्हें जो अच्छी लगे ले लो। अगर हमें ही सिलेक्ट करनी होती तो तुमसे क्यों पूछते? ये इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? थोड़ा सा परेशान है दीदी, वरना इसकी अदा तो बहुत प्यारी है। अरे वाह, तुम्हें इसकी कौन सी अदा भा गई? इसकी मुस्कान दीदी, मुस्कान। हाल ही में मकर संक्रांति के दिन ये आखिरी बार मुस्कुराया था, उसके बाद ये नहीं मुस्कुराया क्योंकि गलती से मैंने तारीफ चुकर दी। उसी हंसी पे फिदा होके मैं इसके पीछे पड़ गई। और तुम्हें इसकी कौन सी अदा भा गई? वो ये शर्माएगा दीदी, मैं बताती हूँ। किट्टू मुझ पर जान छिड़कता है, देखिए मेरे नाम पर ये फिदा हो गया इसलिए लिखवाया, नो फॉर नंदू। है ना किट्टू? एक मिनट। हाँ भाभी। हाँ, बड़ा चढ़ा के बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जुबान पे काबू रखो। और सुनो, हमें कुछ काम से बाहर जाना है, जाओ भाभी को बोल करो। अब जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। दीदी मैं तेरे बाहर जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? किट्टू कह रहा है कुछ पर्सनल काम है, उसके साथ जा रही हूँ। आप तो जानती है ना, नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो, संभल कर जाना। ओके ओके। ए तू क्या देख रही है, जल्दी से सिलेक्ट कर। ए, क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? तुम मुझे जान से प्यारी हो। मेरे मन में जो है मैं बोल के गांव की तैयारी है। हमारा गांव देखना है इसलिए घुमाने साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ का कुआ, खाई, खेत खलियान। हाँ, खेत खलियान। अकेले ले जा रहा, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ए बाप जी। हाँ भाई। तू भी जा इनके साथ, ठीक है? रास्ता भटक मत जाना, ठीक है? ठीक है। ए छोटे। दिया। बोलो। बात क्या है? दिखाना या देखना? क्या? अंदर की फीलिंग, कंट्रोल। मर्दानगी कमजोर हो जाएगी। जो अपने पे काबू रखे वही असली मर्द था। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तेरा वैसा है क्या? मतलब मजाक था, मजाक था। सुनकर शर्म से मर जाए। चलो, पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया मैंने। बच्चों का ध्यान रखना। तुम्हारी शादी की फिक्र तुमसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली को। जब भी वो पूछते हैं तुम अपनी जान छुड़ाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। मैं अपनी नहीं अपने बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पे डाउट होता है। ऐसा लगता है तुमने मुझे किडनैप किया है। अब मेरे भैया को मैं कैसे समझाऊं? तुम्हें वो अपने घर की होने वाली बहू समझकर बड़े प्यार से मुंह में लड्डू मिठाई ठूस रहे हैं। मेरी जिंदगी तो तुमने नरक बना दी। इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम गुस्से में हो इसलिए कह रहे हो। मैं बस किसी तरह अपने आप को बचा रही हूं। जब मैं तुम्हें किडनैप करके ले गया था तब वहां से बच निकल सकती थी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा कम बोलो, दो दिन बाद हमें यहां से निकलना है। बस ये दो दिन जरा खामोश रहो। इस गांव में मेरे भाई की बहुत चलती है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं कुछ मदद करूं? पहले ही बहुत मदद कर चुकी हूँ। प्लीज, हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, वापस नहीं आएंगे। तुम अपने घर चले जाना और मुझे अपने हाल पर छोड़ देना। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? तुम्हारा रास्ता वो है, प्लीज। क्या चल रहा है? हो गया ना? हाँ, फर्स्ट क्लास से। चलो वापस चलते हैं।
क्या देख रहे हो? चलो बड़ा। ए, वहीं खड़े रहो। वहीं खड़े रह के आराम से देखो, कोई भी हिला तो जॉन से मार दूंगी। इसको तो अभी बराबर करता। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे देख रहे हैं, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? बोलो। वो लड़के आखिर तुम्हारे लगते क्या है? तुम्हारा आदमी भी तो वहाँ खड़े खड़े मुझे देख रहा है, उसे तो कुछ नहीं कह रहे हो तुम? अरे बाप रे, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम लोग मत लड़ो। ए, तुम्हें अकल नहीं है क्या जो इसे देख रहे हो? चलो तुम भी मुड़ो और भगाओ उन्हें। ए, जाए से। जब। ए, किट्टू, नंदू, नंदू। यही है दुश्मन के लिए करा रहा था माचा। इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था पापा। ये मरवाएगा जिसे मैं नामुमकिन समझ रहा था, उसे तूने कर दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। हाँ रुक जाओ गाड़ी रोको। देखा मालिक इस बिहारी का कमाल। चल हट। आपने मुझे लात क्यों मारी? तू मेरे पापा की जगह पर बैठेगा। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये तुझे दिखाई नहीं दे रहे, चल पीछे बैठ। इसका पापा मैं तो दोबारा मार दूंगा। ए, हट। बॉस, किट्टू आ गया, भगाओ। अब क्या करेंगे? जल्दी बॉस भगाओ। ये सीटी क्यों बज रहा है? फ्रूट दे दो और मजा आएगा। भाइयों प्लीज इसे मारो ना। चलो जाओ। ये गलती मत कर बेटा वरना बहुत पीटोगे। अरे लड़की को भगाओ। अरे भागना नहीं बेटा, तभी तुम उसकी मार से बच सकते हो। ए, लेकिन पापा भागने से मना कर रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है पापा से डिस्कस करने का? जल्दी भागो यहाँ से। ठीक है। ए, चल। मुझे क्यों मारा? ए, तू भी मेरी तरह किडनैपर है ना, तो कस्टमर को पहुंचाने के लिए मेरा साथ देना। हाँ, किडनैपर कस्टमर। हाँ चल लेके जा। क्या लेके जा? ए, तू इसे बचाकर पूरा क्रेडिट लेना चाहता है ना? मैंने इसे किडनैप किया, मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो। मेरी जिंदगी में बस दो ही मकसद हैं, खुद को इस धंधे में ऊपर ले जाना और तुझे सबसे नीचे ले आना। तेरी वजह से बहुत सारी सीढ़ियां फिसल चुका हूं, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट रहा है, जाकर बता ले। मेरे लड़के ने तुम्हारी बहन को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। मैंने आगे पीछे कुछ सोचे बिना उसकी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे किसी अजनबी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। किसने कहा तुझे? मार दूंगा उसे। तुम कह रहे हो उसे मार डालोगे? तो वो जो तुम्हारे परिवार के बारे में कह रहा था वो सही कह रहा था।
पूरा गांव तुम्हारे परिवार की बुराई करते हुए थकता नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि कल को मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं मानता हूं शादी के लिए मना करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, यह शादी नहीं हो सकती। एक मिनट अंकल। हाँ? मेरा नाम नंदू है। बड़ों की बात के बीच में मेरा आना गलत है, पर तुम मैं इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ। अंकल, क्या आपको हमारे घर की बेटी पसंद नहीं है? पसंद तो है बेटी, बच्ची गुणवंती है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ बच्ची का पसंद आना ही काफी नहीं है, उसका परिवार भी इज्जतदार होना चाहिए। इसी बात का तो दुख है। शादी होने के बाद ये आपके घर की इज्जत बनेगी, लेकिन मुझे तो इस घर में आना है, इसलिए मेरा रस ज्यादा है। इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, ये सोचकर मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। तो क्या ये फैमिली बुरी हो सकती है? मम्मी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, उनकी कमी मुझे हमेशा सताती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। इतना प्यार देने वाली फैमिली क्या बुरी हो सकती है अंकल? आपके बेटे को कीर्ति पसंद है और कीर्ति को आपका बेटा, उन दोनों के बीच में दुनिया की बातों में आकर दीवार क्यों खड़ी करें? सही बात है बेटी, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी बात हुई उसे भूलकर शादी की तैयारी करो। मैं चलता हूं बेटी। थैंक यू अंकल। जरा उसे देख। किट्टू, एक मिनट रुको। किट्टू, मैं जानता था भैया की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, बहना की शादी टूटने से बच गई। शादी टूटती तो अपन टूटने देता क्या इसे? चुप हो जाइए। अपन जानता है कि बहन उसे प्यार करती, अपन उसकी पसंद से शादी करा रहा था तो गलत किया क्या? तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया भी गलत नहीं है। हमारी कीर्ति उन्हें पसंद है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लड़की ससुराल में जाकर खुश रहे, यही उसके परिवार की तमन्ना होती है। हमारी कीर्ति खुश रहेगी, तुम भी खुश नहीं रह सकते क्या? अपन को उसकी खुशी चाहिए। ये गधा हाँ करे तो इसकी भी शादी करा दूं। वो हर वक्त जान बचा के भागता है, ऐसे में अपन क्या करे? देखिए, शादी के घर में बेकार का झगड़ा मत कीजिए, छोड़िए ना, थोड़ा हंस दीजिए, जरा हंसो ना यार। थैंक्स नंदू। हाँ? बाप रे, तूने थैंक्स कहा? क्या हो गया भाई, बहन की विदाई हो गई इसलिए दुखी हो? बहन तो अपने घर गई, छोटा अभी भी कुंवारा बैठा है ना। हाँ, वो गधा कितना भी ना करे उसे मार मार के उसकी फेरे लगवा दूंगा मैं। वो क्या है ना कि वो अपन का प्यारा छोटा भाई है, डरता हूं कहीं फर्ज से चूक ना जाओ। वो आपकी बात नहीं मानेगा क्या? नहीं माना तो मैं मानूंगा भाई, उसके कान ऐठूंगा, रास्ते पर आ जाएगा भाई वो। सच में ऐसा होगा ना? हाँ। होगा। मैंने नंदू का किडनैप किया था, उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। देखिए सेठ जी, अपनी मेहनत का पैसा मैं इसे ढाल बनाकर आपसे जरूर छीनना चाहता था, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें यह बराबर की भागीदार है। ले जाइए अपनी बेटी को प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया, अब चल बेटा। हम
मैंने जो कुछ भी कहा सही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चाहने लगी। तुमने अपने आप को सबके सामने महान साबित कर दिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें पता है हमारा प्यार कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक लड़के की भावनाओं को तुम नहीं समझते। बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नंदू से प्यार नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकती। जा बेटा उसे ले आ, जा। माना कि भैया और आपके दिल को वो भाग गई है, लेकिन मुझे नहीं, इसलिए तो जाने दिया। इस गुंडागर्दी के साए में मैं उसे लाकर नहीं रख सकता। उससे बेहतर है कि उसका दिल टूट जाए। इस घर के लायक तुम लोग किसी भी लड़की को ढूंढ लो। मैं नंदू को दुख नहीं दे सकता, चाहे मुझे अपने आप को जलाना क्यों ना पड़ जाए। इस रावण के परिवार से कहीं ऊंचा उसका परिवार है। हमारे साथ उसकी जिंदगी बर्बाद हो, इससे तो बेहतर कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। मैं भैया को आज तक समझ नहीं पाया, इन्होंने हमारी जिंदगी को नरक क्यों बनाया। बहना की विदाई हो गई, वो ससुराल में हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ है। मेरी फिक्र मत करो, हम साथ हैं और अब जुदा हो गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया है, हमारा घर नंदू के लायक है ही नहीं। समझता क्या है? तेरी शादी कराने का अपन सपना देख रहा है और तू उधर जिद कर रहा है। आयन वक्त पे अपन को पसंद नहीं है कहकर बेचारी को घर से निकाल दिया, अब हम लोगों को भी छोड़ के तू इधर से जा रहा है ना? कार के नीचे दो बजाऊंगा और अंदर बंद कर दूंगा। अपने बड़े तो नहीं रहे, अब तू भी जा रहा है। तू अपन को छोटा भाई है रे, तेरा दिल दुखा करिए कलेजा सूख नहीं पाएगा, अपन नहीं सह पाएगा। तूने अपन से कहा था ये रावण की लंका है, इस जगह पे खुशियां नहीं है। तेरी खुशियों के खातिर अपन धंधा बंद कर देगा, फिर भी जाना है तो जा। जिंदगी में बहुत दुख झेले पर ये नहीं झेल सकता। एक तू ही है रे जो अपन के पास बचा है। तुझे अपन पसंद नहीं है तो जूझी में आकर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सही, अपन तेरा बड़ा भाई है, अपन को छोटा भाई चाहिए। देख अपन का काम मान ले,
अपन तेरे लिए सब छोड़ देगा। लेकिन तू ऐसी भूल मत कर, नंदू अच्छी बच्ची है, उसे अपन का घर मिला। चल फोन कर, फोन कर, अपन को कुछ नहीं सुनना। वो मेरा कहना नहीं मानेगी भैया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। तेरी शादी उसी के साथ होगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब जो भी करना है अब उनको ही करना होगा, उससे लौट कर इस घर में आना ही होगा। क्या करेगा क्या करेगा, हे बाप जी चलकर लड़की को उठाना है। ठीक है भाई, फिर से सॉरी 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 यार, क्या करेगा, आदत से मजबूर है। देख तेरे सर की कसम, उसके बाप को मनाएंगे तेरे स्टाइल पे। चल आज अपन बाप का पर्स उठाएगा। क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें कोई और पसंद नहीं है, इस लड़की में बहुत प्रॉब्लम है, तुम इसे छोड़ दो। जो मुझे पसंद है वही चाहिए, प्रॉब्लम है तो शादी से पहले है, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम है। ए, कैसा लग रहा है, शादी हो गया तो बस। चलो फिर, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप। गिफ्ट लाए हो ना। ए, तू यहाँ पे फिर से आ गया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, टाइम नहीं है, जाओ। तेरे पास नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, कदम आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। अब उन्हें इसको समझाता है। क्यों बे, पहचाना क्या, काट डालेगा, बहुत दम है तेरे में। ए बाप जी जरा वो पैसा दे। हाँ भाई, रुको रुको, दे भाई, ले इसे हाथ में ले, मुझे काट 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 ना, अपन इधर ही खड़ा है, काट 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 ना, काटता कह रही है, काट। कोयता नीचे रखा तो काट डालेगा, यहाँ आसपास चारों तरफ नजर रख लेगा। बहुत कॉमेडी पीस निकला यार ये। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यारी हो, और मेरा भैया बिल्कुल बेकार है। वो किसी काम का नहीं है, टोपी बाज चीटर, उसके अंदर प्यार की फीलिंग्स कहाँ होगी। वो आपको रोज मारेगा पीटेगा तो आप क्या करेंगी। अरे उसने और भी कुछ कहा था। क्या कहा था, क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है बड़े भैया। कुछ कहा था, खैर मैं भूल गया, पर आप उससे शादी मत करो। बच्चों तुम लोग इस तरह से गुस्सा मत करो। देखो कितना शर्मा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये आपसे कितना प्यार करते हैं। किट्टू इधर देख और अपने दिल की बात कह दे। हाय। दोबारा यहाँ क्यों आए। वो घर में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, भाभी भैया और मैं भी मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मिलने में यहाँ। अरे बेकार की बातों में क्या डिस्कशन करना, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारे साथ चलूं, अब दोबारा मुझे किडनैप नहीं होना। नहीं नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा लवर हूँ। क्या कहा, लवर हो, तुमने मुझे आई लव यू कब कहा। भैया आप आई लव यू कहते क्यों नहीं हो। क्या करूँ, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है। ठीक है कोशिश करता हूँ। ओहो मैं गलत था नंदू, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ना। लौट आए हो तो क्या हुआ, मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। तुम यहां मेरे लिए नहीं लौटे हो, तुम लौटे हो घर वालों के दबाव की वजह से। तुम्हारे नाम को मैंने अपने दिल पर परमानेंटली लिख लिया है नंदू, मैं अपने आप से हार गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे समझने वाली मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो, बाहर ढिंडोरा पीटना मुझे मंजूर नहीं था। एक बार मेरे दिल की धड़कन की आवाज को तुम सुनकर देखो, तब मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ पाओगी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, मन में अब भी डाउट है। मुझ पर विश्वास मत करो, मैं कोई आशिक थोड़ी हूं, मैं अपने खून से लिख कर दे दूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। तुम अच्छे से जानती हो मुझे खून खराबा पसंद नहीं है।
तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी इंसानियत के पीछे मेरे भैया भाभी सभी कायल हो चुके हैं। वो पूरी तरह बदल गए हैं। हम दोनों के प्यार के लिए आज वो तुम्हारे हाथ मांगने आए हैं। तुम उस नालायक गधे से शादी करना चाहती हो? तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमसे मैं कैसे बोलूं अपने दिल की बात? किट्टू, एक लड़की जब हां करती है तो मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। यही बात कही थी ना डॉक्टर कमेश जी ने। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आई लव यू नंदू। ये क्या है यार, कितनी देर लगा रहा है? हमेशा मेरा स्टाइल मेरा स्टाइल कहता है। उसे अपना काम करने दे, अपन अपना करते हैं। चल सुनो सब लोग, दूल्हे राजा गायब हो गए। बड़े भैया साथ आए हैं। हे भगवान, ये क्या मालिक, अब आपके आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? अरे उसको जाने दीजिए, हीरो तो घर पे है। किट्टू ने नंदू को किडनैप किया था, ये बात पूरा शहर जानता है। अब इतनी बदनाम लड़की के साथ शादी कौन करेगा? भला इसलिए है कि नंदू की शादी किट्टू से कर देते हैं, फिर कभी कोई शोर नहीं मचा पाएगा। क्यों रे बेवकूफ, ये दिमाग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हमेशा उसके खिलाफ बोलता था, आज मेरी कानों में उसकी तारीफें कर रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट सोचा था उसका क्या होगा भगवान? तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो भाई? मेरे दामाद जी का किडनैप तुमने तो नहीं किया? अपन को वायलेंस पसंद आता था। थोड़ी देर पहले अपन लोग बदल गए रे। अपन लोगों ने किडनैप किया था इसलिए माफी मांगने आया हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत कीजिएगा। अंकल जी, अपन का विश्वास करो, अपन को गलती का एहसास है। कोहिनूर जैसी बच्ची को हमने तंग किया। नंदू किट्टू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए दो बच्चों को एक बंधन में बांध दीजिए सर। अपन की गलती के प्रायश्चित के लिए अपन आपका पैसा वापस लेके आए। मालिक ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। माफ करने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। हेलो, हाँ, ऐसा क्या? ब्रेकिंग न्यूज, हमारे दूल्हे राजा की किडनैपिंग तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई है मालिक। अब हमारी बच्ची से शादी कौन करेगा? हे भगवान, क्या कहा, दूल्हे राजा किडनैप हो गए? हाँ भाई साहब, लगता है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चल चल, रुकिए भाई साहब, मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करेगा? हाँ भाई साहब, मेरी बच्ची से शादी करने के लिए आप अपने भाई को मना लो। अपन नहीं मनाने वाला। क्यों नहीं मनाओगे? आप ही तो हाथ मांगने आए थे। वो तो है, लेकिन अपना रीति रिवाज है, परिवार है, हमारी इज्जत है। कोई किडनैप हो गया है तो आप अपनी बेटी को हमारे भाई के गले में बांधना चाहते हो? सोच को बदलो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपना लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान है, मजाक भी अच्छी कर लेते हैं। दूल्हे राजा को उठाने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? ए, अपन का हाथ क्या, अपन का उंगली भी नहीं है। अरे इनकी कसम खा के कहता है। बताना चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी। हाँ दामाजी। आपकी लड़की को लेकर जरा बाहर जाऊं? ठीक है। कीज। हाँ। चलो जाने मन। हेलो भाई, मैं मोटा राजू भाई। इस गधे की औलाद को मैंने मंडप से उठा लिया है भाई। ये काम करने के बाद मैं जितनी सीढ़ियां नीचे गया था उतना ऊपर चढ़ गया हूँ भाई। इस जन्म में तो रॉन्ग एड्रेस पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगले जन्म में वादा करता हूँ आपके घर में ही पैदा होऊंगा भाई। वगैरह बच्चे, गुड लक। हे, तुझे पैदा मैंने किया है, वो तेरा भगवान कैसे हो गया? आपने जो भी प्लान किया वो सब फेल हो गया, और जग्गू भाई के एक काम से मैं कितना ऊपर आ गया। वो है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है चले जाओ। सोच समझ के जवाब दो। नहीं सोचना है, जाओ।